आई गेस मैं हूं पवन झागर और आप देख रहे हैं दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान। आज हम डिस्कस करने वाले 24x36 का हाउस प्लान। जैसा कि आपने हमारा स्क्रीन पर थंबनेल देखा होगा, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को हमने डिजाइन किया है 24x36 विद कार पार्किंग। तो इस मॉडल को डिस्कस करते समय मैंने दो बेडरूम और एक कार पार्किंग के लिए स्पेस दिया है, साथ साथ लेटरिन बाथरूम और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा है। और इस मकान में क्योंकि साइज काफ़ी बड़ा है, लार्ज है और वेंटिलेशन का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा है, तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे 24x36 का विद कार पार्किंग। तो हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। अगर आप भी कोई रिकमेंडेड मॉडल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और हमारे अगर फेसबुक पेज को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। तो चलो इस मॉडल को स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा मॉडल है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था 24x36 का है। तो ये इसका फ्रंट व्यू है। सामने की बात करें तो ये आप ऐसे देख पाएंगे। यहाँ पर आपको एक छोटा सा पार्क भी मिल जाते हैं या बालकनी आप उसको बोल सकते हैं। और ये आपका कार पार्किंग के लिए स्पेस भी है। ये आपकी ये देखिएगा रेलिंग मैंने डिज़ाइन किया है और ये आपका गुमटी है। हमने ग्राउंड फ्लोर ही डिज़ाइन किया है, बहुत ओपन स्पेस है। वेंटिलेशन की आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं फेस करनी पड़ेगी। हालांकि अगर आप चाहते हैं अपने घर इसको क्लोज्ड करवाना, क्योंकि अभी देखो आपको लग रहा होगा ओपन घर है, कोई भी अंदर जा सकता है, तो इसके लिए मैं आपको एक रास्ता बता दूँ। ये जो आपने ये आप देख रहे होंगे जो जाली टाइप के, इसको आप पूरा फुल साइज का लगवाएं यहाँ तक, ठीक है। बालकनी आपका पूरा पैक हो जाएगा और यहाँ पर आपकी बड़ा सा डोर लगवा लें जो ऊपर तक का, ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमेशा के तरीके आप सबसे पहले इसको हम ग्राउंड फ्लोर पर आपको ले चलते हैं। तो आपको जैसे ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ से आप एंट्री करेंगे जहाँ पर आपको कार पार्किंग का स्पेस मिलता है। ये आपको बालकनी मिल जाती है और इसी बालकनी में आप इस बेडरूम का एक डोर मैंने दिया है जिसमें आप यहाँ से डायरेक्ट आ पाएँ बालकनी में। और इसकी बात करें तो इस बेडरूम के लिए ये एक मैंने डोर दिया है, एक विंडो दी वेंटिलेशन के लिए। ये आप देखिए छोटा सा ये जो रूम है, इस रूम में ये मैंने थोड़ा सा दीवार अंदर बनाई, क्या है क्योंकि मैंने यहाँ पर लगभग ये मंदिर, अगर आप पूजा घर की बात करें तो छोटा सा पूजा घर डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने ये यहाँ पर मोड़ दिया है। तो आपके स्पेस बन जाए, इस पूजा घर के ऊपर आप दो तीन रखने के लिए अलमारी भी बनवा सकते हैं, या आप केवल पूजा घर रखना चाहते हैं तो वो रखें। तो ये आपका एक रूम ये डिजाइन हो गया, एक कार पार्किंग के लिए स्पेस हो गया। ये जो स्टेयर्स मैंने डिजाइन किया ये आपकी जस्ट इसके सामने से है और यहाँ से आपको अपर लेवल अंदर से बाहर की ओर आएगा, क्योंकि आप जब यहाँ से बाइक ये फोर व्हीलर पार्क करेंगे तो उसके नीचे एडजस्ट हो सके। इसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं पीछे की। तो पीछे आपको एक बड़ा सा बेडरूम ये देखने को मिल जाता है, जिसपे डोर मैंने इधर से दिया है, विंडो आपका इधर से दिया है। अब ये बिल्कुल फ्रंट में देखिएगा, ये आपका मिल जाता है बड़ा सा किचन, ओके। अगर ये किचन आपका बड़ा, आप इसको बाथरूम बना लें, ये एक जो स्पेस मैंने साइड है इसको बाथरूम, और इसको आप लेटरिन बना सकते हैं, या अगर आप इसको कंबाइंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये आपका स्पेस आप स्टोर रूम या किसी और के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप अलग अलग बनाना चाहते हैं या दो लेटरिन बाथरूम बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये 24x36 का ग्राउंड फ्लोर है जो मैंने आपको डिस्कस किया। और ये आपका किचन हो गया, ये आपका एक बेडरूम हो गया, ये आपका एक बेडरूम हो गया, ये आपकी बालकनी हो गई, ये आपका कार पार्किंग के लिए स्पेस हो गया, ये स्टेयर्स हो गई, ये लेटरिन और बाथरूम, और एक ये भी लेटरिन और बाथरूम आप बना सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर देखिएगा, ये आप जैसे आते हैं तो ये आपको एक गुमटी है जो आप स्टेयर्स ऊपर आएंगे जिसमें पानी न जाए। ये चारों तरफ आपके 3 फीट का रेलिंग है जो मैंने डिजाइन किया है, और ये बालकनी का नीचे भी मैंने रेलिंग डिजाइन कर दिया है। तो ये इसका 24x36 का डिजाइन हो गया। कैसा लगा कमेंट करें। तो दोस्तों ये मॉडल हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार इस स्मॉल हाउस प्लान पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई भी आप मॉडल बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके दे सकते हैं, हम उस मॉडल को डिजाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब कर दो।